बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रुख करेंगे। हरियाणा बीजेपी में पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने ये नियुक्ति की है। हरियाणा के 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। हरियाणा में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कृष्ण लाल पवार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। 4 प्रदेश महामंत्री भी बनाए गए हैं। 7 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। अजय बंसल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जिम्मेदारी उन्हें मिली है। अरुण यादव को सोशल मीडिया प्रभारी यानी सोशल मीडिया प्रमुख बनाया गया है। हमारे सहयोगी देवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, हरियाणा बीजेपी में पदाधिकारी की नियुक्ति हुई, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए सौरभ, जिस दिन के ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को बनाया गया था, तो उसी दिन से ये स्पष्ट हो गया था कि नायब सिंह सैनी अपनी टीम के अनुसार काम करेंगे। जो पहले के प्रदेश में जो पद थे, निश्चित तौर पर उनमें बदलाव होना लाजमी था और वही बदलाव हुआ है। जहां तक बात है प्रदेश की, जिस तरह से कार्यकारिणी है, तो बीजेपी इस समय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है, इसमें खासतौर पर ओबीसी का बड़ा ध्यान रखा है, जाट प्रतिनिधियों का, ब्राह्मणों का और एससी का, तमाम इसमें तालमेल किया गया है। क्योंकि अभी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव लंबित हैं, फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव लंबित हैं, तो उसमें जिस तरह से टीम खड़ी करना चाहती है बीजेपी अपने हिसाब से, उसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है सौरभ। बिल्कुल, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर दी गई हैं। आगामी स्तर पर प्रदेश में जो टकराव है वो कांग्रेस और बीजेपी में रहेगा देवेंद्र, लेकिन अब जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसके बाद परफॉर्मेंस पर कुछ बड़े स्तर पर असर देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी की एक खास बात ये है, वो हर समय चुनावी मोड में रहते हैं, उनकी बैठकें चलती रहती हैं और वो आमतौर पर परिवर्तन करते रहते हैं। जिस तरह जिसका भी उन्हें कमजोर काम लगता है, निश्चित तौर पर उसमें बदलाव कर देते हैं, क्योंकि पावरफुल पार्टी है। और निश्चित तौर पर अगर हम कांग्रेस की इसमें कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं आज तक उनका संगठन नहीं बना है। बिल्कुल, दशक से ये बात चल रही है, संगठन नहीं बना, तो चुनाव में क्या नतीजे होंगे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल हम बात करें बीजेपी की, तो निश्चित तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं जो है ना हर समय जो है चुनाव मोड में रहती है और तैयारी पूरी तरह से रखती है। रोहतक के अंदर प्रदेश भाजपा का कार्यालय है, तो हम निश्चित तौर पर हर रोज देखते हैं, तो कोई ना कोई पदाधिकारी किसी न किसी मुकाम पर किसी न किसी विंग की बैठक ले आया होता है। तो आज की जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें निश्चित तौर पर जो नायब सिंह सैनी है, उसने मंथन करके ही इसमें जो है ये लिस्ट जारी की है और पदाधिकारी को नियुक्त किया है। खासतौर पर अगर हम रोहतक की बात करें, तो रोहतक के जो पहले जिला अध्यक्ष थे वो थे अजय बंसल। अजय बंसल को अब कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र जरूर दी गई, और इसके बाद आगामी परफॉर्मेंस इन जिम्मेदारियों के आधार पर ही आंकी जाएगी। और अलग अलग तरीके से बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये भी देखने को मिलता है। अब जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी, और आगे परफॉर्मेंस भी बेहतर करना होगा। देखना होगा कि आगे किस तरीके का प्रदर्शन रहता है। संगठन को मजबूत बीजेपी हर रोज करती रही। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी।